मुंबई के किचन से एक ऐसी खबर सामने आई जो शायद ही दुनिया के किसी किचन से आई होगी। सोच के ही रोह कांप जाती है। एक किचन, किचन में रखे हुए कुछ बर्तन, उसमें एक प्रेशर कुकर जिसमें कुछ मांस के टुकड़े छोटे छोटे उबल रहे थे, एक तवा जिसमें इंसान या फिर किसी जानवर के मांस को तला जा रहा था, एक बाल्टी जिसमें पैर की आधा कटा हुआ पैर रखा हुआ था भीगने के लिए। जी हाँ, ये बात है मुंबई के मीरा रोड के पास के अपार्टमेंट गीता आकाश दीप अपार्टमेंट की। गीता आकाश दीप अपार्टमेंट के 7th फ्लोर में 4 फ्लैट होते हैं, 701, 702, 703, 704। इस फ्लैट में, इस जो पूरा 4 फ्लैट का जो ये फ्लोर होता है, इसमें रहने वाले जो 3 अपार्टमेंट होते हैं, 3 जो फ्लैट होते हैं, वो आपस में घुल मिल के रहते हैं। सभी एक दूसरे के फंक्शन अटेंड करते हैं, बर्थडे पार्टी अटेंड करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, बोलते हैं। लेकिन एक फ्लैट ऐसा होता है जो न तो किसी को बुलाता है और न ही किसी के बुलाने पे जाता है और न ही किसी के बात करने पे उनसे बात करता है। हमेशा फ्लैट को बंद रखता है, रिजर्व रहता है। फ्लैट नंबर 704। आखिर कौन रहता था इस फ्लैट में? क्या कारण था लोगों से घुल मिल के न रहने का? क्या ये छोटी से लगने वाली बात के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी थी? जानने के लिए देखते रहें भारत की राय। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि समाज में होने वाली इन सभी घटनाओं के प्रति आप रूबरू रहें और सतर्क और सावधान रह सके, अपने को भी बचाएं और अपने परिचित को भी बचाएं। तो कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं भरत, भारत की राय में आपका स्वागत करता हूं। फ्लैट नंबर 704। फ्लैट नंबर 704 को एक आदमी ने किराए पर लिया, मात्र 10,000 रुपये पे उसने किराए पर लिया। उस व्यक्ति का नाम था मनोज सैनी। मनोज सैनी पढ़ा लिखा भी था, इसने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री भी ली हुई थी। इसकी उम्र थी महज 56 साल। एक महिला भी इसके साथ रहती थी। सभी को लगता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं क्योंकि दोनों आपस में अकेला यहाँ पे रहा करते थे और ज़्यादा जानकारी इनके बारे में किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर नहीं थी क्योंकि किसी से न बोलते थे, न चलते थे, न किसी को बुलाते थे, न किसी को आने देते थे। तो एक दिन, सोमवार का दिन होता है, अचानक से बहुत तेज बदबू आने लगती है और ये बदबू सबसे पहले आती है फ्लैट नंबर 703 में रहने वाले लोगों को। फ्लैट नंबर 703 में एक व्यक्ति रहता है सोमेश नाम का। सोमेश अपने घर वालों के पास पहुंचता है और कहता है कि आज बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और ऐसा तो नहीं कि ये किसी लाश की बदबू है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हाँ, बदबू तो हमें भी आ रही है पर ये किसी लाश की नहीं, हो सकता है चूहा या फिर कोई जानवर मरा हो। और तब सोमेश कहता है, आजकल आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, टीवी में दिखाई जा रही है, ऐसा हो भी सकता है। तो घर वाले उसे डांटते हुए कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखता है, इसलिए तेरा जो नेचर है वो शकी हो गया है, जा घर में ढूंढ, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सोमेश कहता है ठीक है, शायद आप सही कह रहे हैं। सोमेश अपने घर वालों के साथ पूरे घर की सफाई करता है, देखता है कि कहीं पर कोई चूहा या कोई अन्य बिल्ली जानवर तो नहीं मर गया है, तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसी में पूरा दिन चले जाता है। अब आता है दिन मंगलवार का, बुधवार का, फिर बृहस्पतिवार का। बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सोमेश को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। सोमेश अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है और 701 और 702 में रहने वाले अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि यार बहुत दिनों से बदबू आ रही है, मैं बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। तो 701 और 702 में रहने वाले लोग भी कहते हैं, यार कर तो हम भी रहे हैं, हमने सभी चीज़ ढूंढ ली, ट्राई कर ली, लेकिन ये बदबू जा नहीं रही है। तो वो कहते हैं चलो फिर से एक बार सफाई करते हैं, देखते हैं सब मिलके कहीं कुछ मिल जाता है। तीनों ने अपने फ्लैट को दोबारा से छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। वापस तीनों मिलते हैं और कहते हैं चलो हो सकता है, क्या पता छत से बदबू आ रही हो, छत पे जाके देखना चाहिए। वो तीनों छत पे जाते हैं और बहुत अच्छे से छत पे बारीकी से ढूंढते हैं पर वहां पे ना कोई चूहा होता है ना कोई जानवर होता है। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और फिर अगले दिन जब सोमेश बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बदबू, अपने फ्लैट के बाहर फिर से निकलता है और वो इस महसूस करता है जो फ्लैट से जो सबसे ज़्यादा बदबू आ रही है वो 704 के डोर के नीचे से आ रही है। तो सोमेश कहता है कि हो सकता है इस फ्लैट में तो हमने देखा ही नहीं, जाके देखा जाए। तो वो दरवाज़ा खटखटाता है, बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कोई अंदर से बाहर नहीं आता। तभी सोमेश को महसूस होता है अचानक से अंदर से आने वाली बदबू खुशबू में बदल जाती है। तो सोमेश को यह एहसास होता है कि अंदर किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया है या रूम फ्रेशनर छिड़क दिया है। तो सोमेश को थोड़ी आफ्ताब और श्रद्धा वाली जो कहानी है मन में दोबारा से घूमने लगती है
और वो सोचता है कि अभी तो बदबू आ रही थी इतनी तेज, और मेरे दरवाजा खटखटाने के बाद इतनी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया, और अचानक से घर के अंदर से खुशबू कैसे आने लगी। तो उसको थोड़ा संदेह होता है, वो दोबारा दरवाजा खटखटाता है, तभी दरवाजा खुलता है आधा, अंदर से एक व्यक्ति आता है 56 साल का, जो मनोज वहां रहता है। कहता है, हाँ बोलिए क्या बात है। वो कहता है, सर आपके घर से थोड़ी सी बदबू आ रही है और मुझे लगता है हो सकता है कोई चूहा या जानवर मर गया हो, एक बार आप सर्च कर लेंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो इसमें मनोज चौंक जाता है। मनोज कहता है, अच्छा बदबू आ रही है, कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, शाम को आके देखूंगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मनोज की बात सुन के जो सोमेश था उसको बड़ा ही अचरज होता है कि यार इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है और यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं शाम को आके देखूंगा। और मनोज यह कह के अपने दरवाजे को लॉक करता है और चले जाता है। सोमेश 701 और 702 वालों को यह बात बताता है और कहता है कि हमें सोसाइटी में जाकर सोसाइटी के सेक्रेटरी और अन्य लोगों को इस बारे में बताना चाहिए। सोमेश अब अपने दोस्त यानी जो 701 और 702 में रहते हैं उनके साथ सोसाइटी के नीचे पहुंचता है और सेक्रेटरी और वहां पे जो गणमान्य दूसरे व्यक्ति होते हैं उनसे बातचीत करता है कि यार बड़े ही दिन से बदबू आ रही है और हमने अपने अपने सारे घरों में सारा छान मारा। 704 फ्लैट से अंदर से बदबू आ रही थी, पहले तो बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला, और सबसे बड़ा संदेह मुझे तब हुआ जब दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से बदबू की जगह खुशबू आने लगी, अंदर परफ्यूम छिड़क दिया। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है और दाल में कुछ काला लग रहा है। और आजकल श्रद्धा और आफ्ताब की खबरें तो हम सब सुन ही रहे हैं कि कैसा कैसा चल रहा है समाज में, तो कहीं ये घटना भी इसी की तरफ इशारा तो नहीं है। तो सोसाइटी में लोगों को लगता है कि हाँ यार ये आजकल तो ऐसा बहुत चल रहा है तो, और ये संदेहजनक भी लग रही है, तो क्या करें। तो सब डिसाइड करते हैं कि पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौकाई वारदात पे पहुंचती है और सभी को फ्लैट नंबर 704 के बाहर यानी 7th फ्लोर में ले जाया जाता है। पुलिस सभी लोगों को वहाँ पे गवाह बनाती है कि आप लोगों की मौजूदगी में हमें ताला तोड़ने जा रहे हैं, कल को कुछ भी होता है तो आप लोग गवाह हैं। तो ताला को तोड़ा जाता है, ताले को तोड़ते ही बहुत तेज़ी से बदबू बाहर आती है, इतनी तेज़ बदबू कि सभी को अपने नाक पे रुमाल रखने पड़ गए और यहाँ तक कि 2-3 लोगों ने उल्टी तक कर दी। अब लोगों का संदेह गहरा जाता है, सामने ही दिखता है फ्रिज, और आप सभी को याद होगा दर्शकों कि आफ्ताब और श्रद्धा वाली घटना में फ्रिज का बड़ा रोल था, फ्रिज के अंदर भी टुकड़े रखे हुए थे। तो सभी की नज़रें फ्रिज पे एकाएक टक जाती हैं, सभी लोग अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले फ्रिज को खोला जाता है। फ्रिज को खोलने के बाद एकाएक सबने एक राहत की सांस ली कि अंदर कुछ नहीं मिला, जिस प्रकार का रोजमर्रा सामान हमारा होता है उसी प्रकार का सामान रखा हुआ था और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर बेडरूम देखा जाता है, बेडरूम में भी ऐसा कुछ नहीं था और ड्राई रूम भी बिल्कुल साफ तौर से रखा गया था जैसा एक स्वच्छ व्यक्ति रखता है। अब सभी लोगों को लगता है जब सब कुछ सही है तो बदबू कहाँ से आ रही है। अब पुलिस की टीम और पुलिस की टीम के साथ सोमेश भी था, ये आगे आगे बढ़ते हैं और किचन की तरफ जाते हैं। सभी की धड़कनें तेज थी क्योंकि आप किचन ही बच चुका था, बाथरूम वगैरह सब कुछ देख चुके थे। किचन में जैसे ही जाते हैं उनको दिखता है कि सामने एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है, 2-3 बाल्टी और टब पड़े हुए हैं, एक तवा पड़ा हुआ है। तो जब पास जाया जाता है देखा जाता है कि बाल्टी में कुछ मांस के टुकड़े हैं, एक पैर नुमा चीज़ है, सीधे सीधे पता नहीं लग रहा था वो क्या है लेकिन पैर की जैसी आकृति थी। सभी की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और तभी नज़र पड़ती है तवे पे। तवे पे रोस्टेड मांस रखा होता है कि मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को तला जा रहा है। और सभी लोगों को अब खबर पक्की लगने लगती है कि कुछ ना कुछ दाल में गड़बड़ है, दाल में काला है। फिर लोगों की नज़र पड़ती है कुकर में, कुकर को खोला जाता है तो उसके अंदर मांस के टुकड़े बॉईल हो रहे होते हैं। घबराहट में लोग पीछे हटते हैं, पुलिस वाले लोगों से बाहर निकलने के लिए करते हैं, तभी एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है दीवार पर। दीवार पर टगी होती है एक चोटी, जब अच्छे से देखा जाता है जिस प्रकार से महिलाओं के बाल होते हैं पूरे, इस पूरे को निकाल के उसको लटकाया जाता है कहाँ पर, दीवार पर लटका दिया जाता है। तो जब उसको निकाला जाता है चोटी को, तब उनको लगता है यार ये चोटी जो है ये किसी महिला की चोटी है, और सब संदेह गहरा जाता है क्योंकि मनोज जो व्यक्ति यहाँ पे 705 फ्लैट पे रहा करता था, 704 माफ कीजिएगा 4 फ्लैट पे रहा करता था, उस व्यक्ति के साथ एक महिला भी रहती थी वहाँ पे। तो सभी को शक जाता है कहीं ये लाश उस महिला की तो नहीं है, और उसकी नहीं है तो कोई ना कोई जरूर ये महिला ही है क्योंकि ये चोटी रखी गई है और अंदर मांस के टुकड़े पाए गए हैं।
अब पुलिस मौका ही वारदात पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाती है ताकि सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाएं और ये सारा जो सामान है इन सबको टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। तभी थोड़ी देर में एंटर करता है सोसाइटी में मनोज, जो फ्लैट नंबर 704 में रहता था। उसके बाद जो हुआ आपके होश उड़ जाएंगे। क्या मनोज भाग गया? क्या वो पकड़ा गया? जानने के लिए चैनल पर बने रहें, और अगर अभी तक भारत की राय को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार की खबरें आपको बताते रहते हैं ताकि समाज में होने वाली सभी बुराइयों से आप अवगत रह सकें और अपने आप को और अपने परिचित को बचा सकें। अब मनोज इन सबके बीच में अंदर घुसता है, देखता है कि बाहर कुछ पुलिस की जीप खड़ी है और लिफ्ट की तरफ बढ़ा चला जाता है। और वो देखता है कि आज जब लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है, देखता है यार 7th फ्लोर में कुछ ज़्यादा ही हलचल है। वो तुरंत वापस नीचे उतरता है और भागने की कोशिश करता है मुँह छुपा के, लेकिन सोसाइटी में सभी उसे पहचानते थे। ये बात आग की तरफ फैल चुकी थी तो सिक्योरिटी वाले और जो गार्ड्स होते हैं और दूसरे लोग होते हैं उसे दबोच लेते हैं। अब पुलिस को खबर की जाती है कि नीचे मनोज जो व्यक्ति इस फ्लैट में रहता है वो पकड़ा गया है, तो पुलिस वाले उसको पकड़ के ऊपर लाते हैं। अब जैसा कि प्रक्रिया चलती है, मनोज को मौका वारदात पर ले जाके सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये प्रेशर कुकर है, ये मांस के टुकड़े हैं, ये है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये किसका कत्ल किया तुमने। तो मनोज जो चीज़ बताता है वो वाकई चौंकाने वाला होता है। तो ऐसा क्या बताया था मनोज ने पुलिस वालों को कि सुन के सभी के होश उड़ गए। मनोज बताता है कि ये सब उसी ने किया है। प्रेशर कुकर पे जो टुकड़े रखे हुए इंसानी मांस के हैं, एक महिला के हैं जो मेरे साथ रहा करती थी, उसका नाम सरस्वती था, और जो बाल्टी में जो कटा हुआ रखा गया है वो पैर है। यह टुकड़े तो मैंने किए हैं लेकिन ये हत्या मैंने नहीं की है। तो पुलिस वालों को ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा आमतौर पर अगर किसी ने खुदकुशी की है तो कोई उसकी हत्या करके टुकड़े करके क्यों ऐसा करेगा। पुलिस वाले उसे सख्ती से ही पूछते हैं, परंतु मनोज अपने बयान पे अडिग रहता है और यही चीज़ बताता है। अब फॉरेंसिक वाले आते हैं और सभी चीज़ को कलेक्ट करके ले जाते हैं। पुलिस वाले मनोज से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, इसने आत्महत्या क्यों की? तो मनोज बताता है कि मेरी जो ये बीवी थी, हम दोनों ने शादी करी थी, ये मेरी वाइफ थी, मेरे पर बहुत ज़्यादा शक करती थी, आए दिन हमारे बीच में झगड़ा होता था, रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर, हो सकता है इसने एक दिन जब मैं घर आ रहा था तो उसने सल्फास खा लिया और सल्फास खाने के कारण इसकी मौत हो गई, और मैं डर गया था कि अगर ये पकड़ी, अगर इसकी बॉडी मिल गई तो पुलिस वाले मुझे ही पकड़ेंगे और मैं ही अंदर हो जाऊँगा और मैं ही फंस जाऊँगा। तो ये सोचते हुए मेरे को आइडिया आया, क्योंकि उन दिनों आफ्ताब और श्रद्धा की जो घटना थी, मनोज कहता है कि वो भी उसने देखी थी टीवी पे, कैसे टुकड़े टुकड़े करे थे। तो यहीं से उसको आइडिया आता है, यहीं से वो आइडिया लेता है कि इस अगर इस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूं तो ये हत्या को मैं छुपा सकता हूं। तो मनोज कहता है कि अब मैंने उसको टुकड़े टुकड़े करने के लिए सोचा, मैं बाजार गया, मैंने वुड कटर खरीदे, टाइल कटर खरीदे और कुछ अलग अलग औजार और अलग सामान खरीदा और घर ले आया और वुड कटर टाइल कटर से उसकी हड्डियों को काटा, छोटे छोटे टुकड़े करे। अब क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी को 7th फ्लोर से बाहर तक ले जाकर ठिकाने लगाना मेरे लिए असंभव था, ऐसा मनोज कहता है। तो मनोज कहता है उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े टुकड़े करने के बाद सबसे बड़ी परेशानी थी कि अब वो ज़्यादा देर तक रहते नहीं। मनोज कहता है कि उसे पता था कि इनसे बदबू आने लगेगी और इतनी बड़ी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो धीरे धीरे बाहर फेंक सकता है लेकिन इकट्ठे नहीं ले जा सकता है। जब तक वो सब ले जाएगा तब तक बॉडी में से बदबू आ चुकी हुई। तो मनोज को एक आइडिया आता है कि जैसे चिकन को रोस्ट किया जाता है और चिकन को रोस्ट करने के बाद कई दिन तक रखा जाता है और उसमें से बदबू नहीं आती, तो अगर मैं भी इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूं और तवे में तल के रोस्ट कर दूं तो शायद इसमें से बदबू नहीं आए, ऐसा मनोज को लगता है। तो मनोज कहता है मैंने ऐसा ही किया, इसलिए जो तवे पर जो आपको टुकड़े दिख रहे हैं वो उसी मांस के टुकड़े हैं जिसको रोस्ट किया है ताकि बदबू ना आए। पुलिस वाले उसकी बात को सुन के बड़े भौंचक्के हो जाते हैं और उनके अंदर गुस्सा भी भर जाता है कि यार ये किस तरह का व्यक्ति है। ठीक है, माफ कीजिएगा, उसको गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। पेशी के दौरान पुलिस वाले कहते हैं कि जज साहब से कि हमें इसकी रिमांड के लिए 14-15 दिन और दिए जाएं, क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है कि जो महिला ने वहाँ पे किया, जो महिला की जो वहाँ टुकड़े मिले थे उसने खुदकुशी की थी, इसने उसे मारा नहीं और हमें संदेह है उसे इसी ने मारा है। तो अदालत से 14-15 दिन की दोबारा रिमांड मिलती है, पुलिस वाले फिर से सख्ती बरतते हैं। अब मनोज अपने बयान को पलट तो देता है लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं बताता। अब वो थोड़ा खुलासा करता है कि वो अहमदनगर का रहने वाला था, वहाँ वो राशन की दुकान पे काम करता था, उसने अच्छी पढ़ाई की गई है, धनी संपन्न परिवार से था, मुंबई में उसका बहुत अच्छा फ्लैट भी था। तो उसने सोचा कि जो वो फ्लैट है
उस फ्लैट को 35,000 रुपये में अगर मैं किराए पे चढ़ाऊँ और 10,000 रुपये का फ्लैट लेके कहीं और जैसे मीरा रोड के पास रह लूँ, और मीरा रोड के पास ही वो एक राशन की दुकान पे काम करता था, मैं 5,000 रुपये महीना, तो कहता है बहुत है, क्योंकि उसके माँ बाप जो थे वो 10-15 साल पहले ही मर चुके थे, अकेला ही रहता था, तो उसने दिमाग लगाया। तो अब वो 35,000 रुपये किराया उठाता था, 10,000 रुपये पे करता था रेंट में, और 5,000 रुपये उसको महीने की तनख्वाह मिल जाती थी। इस प्रकार एक तरह से उसकी कमाई हो जाती थी, 40,000 टोटल, 10,000 के 30,000 लगभग वो बचा लेता था, और इस तरह से अच्छा खर्चा चल जाता था, अकेला ही रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, सरस्वती नाम की अनाथ लड़की से। सरस्वती बहुत ही खुश मिजाज टाइप की लड़की होती है, धीरे धीरे उसकी दोस्ती बढ़ जाती है, तो मनोज भी उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, और दोनों, मनोज कहता है कि वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, पति पत्नी के तौर पे वो यहाँ पे रहते हैं। तो एक दिन झगड़ा बढ़ जाता है, और जब वो वापस लौटता है देखता है कि उसने सल्फाज खा के वो मर गई, तो यही वो दोबारा बताता है। लेकिन पुलिस को अपने सोर्सों से पता चलता है कि जो मनोज है उसने सरस्वती को चाकू मारा, लेकिन ये बात प्रूफ करनी बहुत मुश्किल थी। ये बात मनोज भी जानता था, मनोज को भी ये बात पता थी कि पुलिस वाले उसे कितना भी परेशान करें, कितना भी टॉर्चर करें, कितना भी दबाव बनाएं, ये राज बिल्कुल नहीं खुल सकता। मनोज को सजा तो होगी लेकिन हत्या की नहीं हो सकती, ऐसा उसको भी पता था, क्योंकि मनोज बहुत शातिर व्यक्ति था पुलिस की नज़र में। क्योंकि देखो, अगर मनोज ने चाकू मारे होते तो मार्क ऑफ इंजरी भी चाहिए, बॉडी है नहीं भाई, मार्क ऑफ इंजरी कहाँ से आएगी? अगर किसी को चाकू मारा है तो कैसे साबित होगा? अगर बॉडी है, बॉडी के अंदर चाकू घुसा पड़ा है, मार्क ऑफ इंजरी से पता चलेगा कि चाकू मारा गया, बॉडी तो थी नहीं। अब दूसरी चीज़ आती है कि उसने सल्फाज खाया नहीं खाया, हो सकता है जहर से मृत्यु हो, लेकिन वो भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि बॉडी एक तरह से पूरी की पूरी डिस्पोज की जा चुकी है। जो हमारा पेट होता है, पेट की, जब भी कोई व्यक्ति जहर खाता है, पेट की थैली का पोस्टमार्टम के दौरान देखा जाता है, या फिर विसरा रिपोर्ट में भी आ जाता है कि क्या उस थैली में जहर पाया गया है। लेकिन जब मांस के इतने छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें पहचान पाना मुश्किल था, तो इसमें पेट के अंदर की पूरी थैली कहाँ मिलती जिसमें जहर मिल सकता था? और ये बात मनोज बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो अपने बयान पे अडिग रहा। और पुलिस वालों को भी इस चीज का पता था कि मनोज कोई जितने रट्टू तोते की तरह इतने अच्छे से बयान दे रहा है, वो कोई मासूम सा दिखने वाला व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा शैतान है और ये सब कुछ जानता है। और पुलिस वालों को ये भी पता था कि दबाव दे के अगर ये उगल भी देगा तो अदालत में हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि प्रूफ करने के लिए ना तो विसरा था ना मार्क ऑफ इंजरी थी। तो अभी ये केस चल रहा है, पुलिस वाले लगे हुए हैं किसी प्रकार से इस केस को सॉल्व किया जाए। अब हमें भी नहीं पता कि कैसे ये इस केस सॉल्व होगा, हमारी भी नज़र इस पर बनी हुई है और इसके बारे में हम बताते रहेंगे। तो अब आप बताइए कि अगर किसी बॉडी की मार्क ऑफ इंजरी पता नहीं है, विसरा रिपोर्ट है नहीं, कातिल ये कहता है कि उसकी बीवी ने सल्फाज खा के मतलब आत्महत्या कर ली और तब उसने बॉडी के टुकड़े करे, इसमें आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है मनोज ही हत्यारा है? क्या आपको लगता है उसकी बीवी ने सल्फाज खा के मरा होगा? और क्या आपको लगता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को अगर सल्फाज खा के उसने आत्महत्या कर ली है तो उसके पति को पुलिस को कॉल करना चाहिए था? अगर कोई व्यक्ति मर जाता है सल्फाज खा के तो क्या होता? पुलिस वाले उससे पूछते तो सही दबाव देके कि भाई तुम्हारी बीवी मरी है, तुम्हारी वजह से टॉर्चर हुई है, कुछ ना कुछ होगा, ऐसी सजा तो नहीं होती। लेकिन इतना बड़ा कृत्य कि वुड कटर ला रहा है, टाइल कटर ला रहा है, और धीरे धीरे, हाँ एक चीज़ तो हम आपको बताने भूल गए, वो क्या करता था, वो जो तवा था, तवे में मांस जो रोस्ट करता था, वो डेली थोड़ी 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 करके बैग में भर के ले जाता था आफ्ताब की तरह, और जब वो बाहर ले जाता था तो वो उन रोस्टेड टुकड़ों को कुत्तों को फेंक देता था, और कुत्ते उसे बड़े चाव से खा जाते थे, क्योंकि उनको थोड़ा ना पता है इंसान का मांस है क्या है, जानवर ये बेचारा भूखा है, तो उस रोस्टेड टुकड़ों को उसको कुत्तों को फेंक देता था, कुत्ते उसे खा जाते थे। और कुत्तों को तो यही लगता है, लोगों को यही लगता था कि ये व्यक्ति जा रहा है, कुत्तों को थोड़ा थोड़ा खाना खिला रहा है, कभी ब्रेड खिला रहा है, कभी रोटी खिला रहा है, लेकिन किसको पता था कि इंसानी मांस के रोस्टेड टुकड़े खिला रहा है। तो ये थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है वाकई ये जो कत्ल था ये मनोज ने किया था, क्या आपको लगता है मनोज सही कह रहा है, क्या आपको लगता है मनोज को सज़ा होनी चाहिए, ये सब आप पे छोड़ते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे, और जो व्यक्ति का कमेंट सही होगा और जब इसको सज़ा मिल जाएगी या ये रिहा हो जाएगा या जितनी भी सज़ा मिलेगी, अगर अदालत में
वही वाला प्रूफ हुआ तो हम उस व्यक्ति का नाम लेंगे और उस व्यक्ति को हो सकता है आपने स्टूडियो में भी बुलाया। तो ठीक है, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं भारत की राय में, फिर से मौज आपके सामने आएंगे एक नई कहानी के साथ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।